और आपको बताएं कि आईएएस पूजा सिंघल के घर से महत्वपूर्ण फाइल मिली है। सूत्रों के हवाले से आपको बताएं कि इन फाइलों के आधार पर कोलकाता के दो और रांची के दो अन्य ठिकानों पर ईडी की दबिश डाली गई है। व्यवसायी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। पूजा सिंघल के करीबी के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आ रही है और सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को नोट गिनने की मशीन लेकर बुलाया गया है। देखिए ये बड़ी खबर। पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी आईएएस पूजा सिंघल और उनके बाद देखिए अभी जो दो फाइलें मिली है उस आधार पर कोलकाता और रांची के दो अन्य ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि पूजा सिंघल के करीबी के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की भी बात सामने आई है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो 25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं पूजा सिंघल के करीबी के घर से। सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को नोट गिनने की मशीन लेकर बुलाया गया है और ये काउंटिंग चल रही है, कैलकुलेट किया जा रहा है, ये कैलकुलेशन चल रहा है। आपको बताएं कि जो दो फाइलें मिली उसके बिना पे दो जगहों पर छापेमारी चल रही है लेकिन इसके साथ ही पूजा सिंघल और उनके करीबियों के घर भी ईडी का छापा चल रहा था और उन्हीं में से एक करीबी के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। और अब ये जो कैश आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इनका कैलकुलेशन चल रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। लगातार ईडी की छापेमारी, रांची समेत 20 जगहों पर एक साथ ईडी ने छापा मारा। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर कागजात खंगाले गए जिनमें से दो अहम फाइलों के आधार पर बाद में फिर रांची के दो और कोलकाता के दो अन्य ठिकानों पर रेड डाली गई। आपको बताएं कि अवैध माइनिंग से यह जुड़ा मामला है, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। इसके साथ ही साथ व्यवसायी अमित अग्रवाल के ठिकाने पर भी छापेमारी और अब जो बातें सामने आई, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आईएएस पूजा सिंघल के करीबी के घर से मिले वो 25 करोड़ रुपए हैं जिनका कैलकुलेशन अभी चल रहा है। सेंट्रल बैंक के अधिकारी नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे हैं और अभी कैलकुलेट किया जा रहा है कि ये जो कैश जब्त किया गया है ये है कितना। ये तमाम चीजें अब जो खबर मिली ईडी को उसके बाद ईडी की छापेमारी शुरू हुई, ईडी ने दबिश डाला और देखिए कई अहम फाइलें मिली हैं और ये पूजा सिंघल के करीबी के घर से जो कैश बरामद हुआ है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में ईडी का छापा, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी हुई है। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर कागजात खंगाले ईडी ने और उनके आवास से दो अहम फाइलें मिली जिसके बाद रांची और कोलकाता में दो जगहों पर, दो अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। इसके साथ ही साथ पूजा सिंघल के करीबी के घर से ये 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं और क्या कुछ मिला है ईडी बाद में जब इसे तफ्तीश से बताएगी तो पता चल पाएगा। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये पूजा सिंघल के करीबी के घर से जो कैश बरामद किए गए हैं वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। रांची समेत 20 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर कागजात खंगाले गए। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई और उसके बाद देखिए पूजा सिंघल के करीबी के घर से ये कैश बरामद किया क्या है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में ये छापेमारी और आपको बताएं कि रांची से धनबाद तक ईडी की छापेमारी हुई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर की तलाशी ली गई। आपको इससे पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे पल्स हॉस्पिटल के अलावा पंचवटी रेसिडेंस, कांके रोड, चांदनी चौक, हरिओम टावर में भी ईडी की छापेमारी हुई। रांची में ये छापेमारी की गई। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और ईडी की इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। बताया जा रहा है, आपको बताएं कि ईडी की टीम ने झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। और अगर पर्टिकुलर झारखंड की बात करें तो यहां पर राजधानी रांची के पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी की गई, कांके स्थित पंचवटी रेसिडेंसी में छापेमारी हुई
और आईएएस पूजा सिंघल के बाकी करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये आईएएस पूजा सिंघल के एक करीबी के घर छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बताएं आपको कि झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा पीएमएलए के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। और देखिए, ईडी ने कुछ साल पहले झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा विनोद सिन्हा के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकी और आरोप पत्रों का संज्ञान लिया था। इनमें सिन्हा पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, जालसाजी और धन की हेराफेरी के जरिए 18 करोड़ रुपए के सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था। इन सब मामलों के अलावा देखिए, आईएएस पूजा सिंघल के लोकेशन पर छापेमारी हुई, उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस दौरान एक करीबी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। पूजा सिंघल और व्यवसायी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी। आईएएस के करीबी के घर से 18 करोड़ बरामद हुए हैं। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में छापेमारी है ये। आईएएस पूजा सिंघल के लोकेशन पर छापेमारी और आईएएस पूजा सिंघल के करीबी के घर से 18 करोड़ बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई और इस छापेमारी के दौरान देखिए, दो अहम फाइलें जो मिली उनके आधार पर कोलकाता के दो और रांची के और दो अलग ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आईएएस के करीबी के घर से 18 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। रांची समेत 20 जगहों पर एक साथ ईडी की छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर कागजात खंगाल रही ईडी। अवैध माइनिंग से जुड़ा यह मामला, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।